तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक पोस्ट ऐड करते वक्त ज़हन में रखनी चाहिए। आपको एक अच्छा सा टाइटल उसका ऐड करना चाहिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन उसकी ऐड करनी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन की पहली चंद लाइनें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तहत यहाँ एक्सपेक्ट में ऐड करनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन, इनमें से कुछ ऑप्शन आपको नज़र ना आ रहे हो, तो आप स्क्रीन ऑप्शंस में से उनको अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको किस कैटेगरी में ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद टैग्स ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं तो आपकी पोस्ट भी उनको नज़र आए। उसके बाद फीचर्ड इमेज ऐड करना ज़रूरी है, ताकि अगर आपकी पोस्ट गूगल में उनको नज़र आती है तो यहाँ पे आपकी इमेज नज़र आ रही होगी, तो आपकी इमेज अगर बेहतर होगी तो वो आपकी इमेज पे क्लिक कर देंगे और उसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा। जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लें, उसके बाद आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट आपकी साइट पर उसी वक्त लाइव हो जाएगी, या फिर आप इस पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल करने का क्या तरीका है, आप देख सकते हैं ये एक कैलेंडर टाइप आइकन बना है, आप इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे तारीख पूछेगा, तारीख सेलेक्ट करें, उसका टाइम सेलेक्ट करके ओके कर दें, तो ये देखें वो पब्लिश का बटन शेड्यूल के बटन में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो आपने तारीख और टाइम सेलेक्ट किया होगा, उस तारीख और उस टाइम पे ये पोस्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने अभी पब्लिश करना है तो आप इस एडिट के बटन को क्लिक करके या आज की तारीख सेलेक्ट कर लें और ओके करें तो ये पब्लिश आ गया। आप इस पर क्लिक कर दें, ये आपकी पोस्ट पब्लिश हो गई है और लाइव हो गई है, मतलब आप यूज़र जो आपकी साइट पे आ रहा है वो इस पोस्ट को देख सकते। तो ये तरीका था आप वर्डप्रेस में एक पोस्ट ऐड करने का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।